हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आशीष छाया पर। ये देखिए, यहाँ मैंने कट किया है बनाना। बनाना कट करने के बाद आप जैसे हम लोग सत्यनारायण कथा जब होती है तब हम लोग चूरमा बनाते हैं, आटे का चूरमा बनाते हैं प्रसाद के रूप में। और उस आटे के चूरमे के अंदर हम लोग फ्रूट भी कट करके डालते हैं, जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गए, अनार के दाने हो गए। तो मैं अभी आपको यही मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें कि भी जैसे आपने चूरमा बनाया, ये देखिए, ये मैंने चूरमा बनाया था, आटे का चूरमा है ये, और ये देसी घी में ही बनता है। और ये आप इसके साथ, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ये, आप इस तरह से कटे हुए केले के ऊपर चूरमा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये। और इसमें आप सारे फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी फ्रूट्स आपको पसंद है, जैसे गुआवा हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, और आपका ये ग्रेप्स हैं, ये सारा कुछ आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपका तैयार हो जाएगा सत्यनारायण की कथा की तरह, जैसे हम प्रसाद का भोग लगाते हैं बिल्कुल ऐसे ही। आप कभी भी अपने बच्चों के लिए खाने के लिए, कभी उनका मीठा खाने का दिल करे तो आप इस तरह की स्वीट आप उनके लिए बना सकते हैं, बहुत डिलीशियस लगते हैं। प्रसाद के रूप में तो अच्छा लगता ही है, कभी कभी बच्चों को जैसे चूरमा बना के देना है, उनको चपाती खाने का मन नहीं है, तो आप इस तरह का हैवी डिश भी उनके लिए रेडी कर सकते हैं। थैंक यू।